नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष फिर से यूपीपीसीएस 2023 को ध्यान में रखते हुए सीसैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के 25 प्रश्नों का मैथमेटिक्स के प्रश्नों का संकलन लेकर प्रस्तुत हुए हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। एक पाई चित्र में विभिन्न मदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, अंशों के क्षेत्रफल के, अंशों के कोणों के, अंशों के वक्रचापों की लंबाई के, या अंशों के परिमापों के। देखिए, जो ये आपका होता है पाई होता है, पाई चार्ट जो होता है, हमने पिज्जा देखा हुआ है, पिज्जा। ठीक है, हमने पिज्जा देखा हुआ है, जिस तरीके से पिज्जे के कई हिस्से कटे होते हैं उसी तरीके से हमारा पाई चार्ट में भी बना होता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सर्किल होता है, सर्किल आपका 360 डिग्री का होता है, ये सर्किल आपका 360 डिग्री का होता है। तो हम जानते हैं कि इसमें प्रत्येक कोणों को जो दर्शाया जाता है, प्रत्येक खंड को जो त्रिज्यखंड को दर्शाया जाता है, वह कोणों के आधार पर दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे जो आपका आंसर बनेगा वो होगा अंशों के कोणों के। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है, यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत में बढ़ जाएगा। देखिए मित्रों, जब इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा जहां पे टू डायमेंशन की बात की जाएगी, दो बार बढ़ाया जाएगा। आयत है, आयत में लंबाई और चौड़ाई है, इसे दो बार बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसे दो बार बढ़ाया जा रहा है, एक लंबाई को बढ़ाया जा रहा है, एक चौड़ाई को बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए, गौर कीजिएगा, इसमें जब इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको लंबाई चौड़ाई यह सबसे कोई मतलब नहीं रखना है। ये देख लीजिएगा कि 20% यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, और आपने पढ़ा होगा xy/100 का फार्मूला पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है कि जब किसी वस्तु को 20% बढ़ाया जाता है, दो बार बढ़ाया जाता है, किसी वस्तु को 20% दो बार बढ़ाया जाता है, किसी वस्तु को x को दो बार बढ़ाया जाता है, तो पूरा कितना बढ़ता है प्रतिशत, पूरे प्रतिशत में कितने का बदलाव होता है, इस तरीके का आपने प्रश्न पढ़ा है। ठीक है, तो आप देखिए उसका यह फार्मूला हो गया, यानी कि एक्स परसेंट बढ़ रहा है, 20% बढ़ाया गया, पुनः 20% बढ़ाया गया, क्योंकि 20% आप लंबाई में बढ़ाते हो और 20% आप चौड़ाई में बढ़ाते हो। ठीक है, तो 20 हो गया प्लस 20 × 20/100, ये दोनों जीरो से जीरो कट गया, 20 × 20 = 40, और ये दो दूनी 4, यानी ये हो गया आपका 40 + 4 = 44। ठीक है, 44% आपका आ गया, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। यहाँ पे माध्यिका तथा बहुलक का अंतर ज्ञात करना है। देखिए मित्रों, जब माध्यिका निकाली जाती है तो माध्यिका निकालने के लिए सर्वप्रथम हम श्रेणी को आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि सबसे छोटी संख्या से लेकर सबसे बड़ी संख्या का क्रम लिखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं 25, ठीक है 25, फिर 25 के बाद फिर देखते हैं क्या है आपका 29, फिर देखिए 30, 32, 33, फिर 33, फिर आगे की संख्या कौन सी है 33 के बाद, 33 के बाद है आगे की संख्या फिर आपका 42। ठीक है, 42 थ्री टाइम्स है। आपका थ्री टाइम्स है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपकी कौन सी संख्या है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट संख्या है आपकी 42 के बाद 46, 45,
46, 47, ठीक है, 47, 47 के बाद आएगा आपका 48, 48, 48 के बाद 51, 51 के बाद आपकी संख्या आएगी 53, ठीक है, 53, 53 के बाद 54, 54 के बाद 60, 60 के बाद 65 और 72। देखिए लगभग सभी संख्याओं के नीचे आपने लिख दिया, यहाँ 52 अभी बचा था तो यहाँ 51, 51 के बीच में 52 आएगा, जिसे आप ऐसे लिख लीजिए 51, 52, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा, पूरी संख्याओं को हमने नोट कर लिया। काउंट कर लीजिए कुल संख्याएं कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कुल 20 संख्याएं हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए हमारी 20 संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जी बिल्कुल, हमारी यहाँ तक 20 संख्याएं हो गई। तो अब देखिए माध्यिका निकालने के लिए जब आप देखेंगे कि जब यह पद सम है n बराबर 20 है, तो आप जानते हैं माध्यिका निकालने का जो फार्मूला है, सम होने पर n बाई टूवा पद प्लस n बाई टूवा प्लस वनवा पद, ठीक है, डिवाइड बाई टू, ये हमारी माध्यिका निकालने का हो गया। चलिए n बराबर 20 दिया है, यानी दसवां पद प्लस ग्यारहवां पद जोड़ के दो से भाग दे देते हैं, तो दसवां पद कितना आ रहा है मित्रों, दसवां पद यहाँ काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये दसवां पद हो गया, एक ग्यारहवां पद हो गया, यानी कि 45 + 46/2, ठीक है। ये हो गया आपका 6, 5, 11, 1, 4, 4, 8, 1, 9, 91/2, 91/2 आ गया आपका 45.5, ठीक है, 45.5 आ गई आपकी माध्यिका। बहुलक है कि इस पूरे पद में देखिए कि किस संख्या की पुनरावृत्ति कई बार हुई है, ठीक है, सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है, तो आप गौर से देखेंगे तो 42, 42 आपकी 3 बार आई हुई है, ठीक है, 42 आपका 3 बार आया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे जो बहुलक है, बहुलक हो गया आपका 42, ठीक है, बहुलक हो गया आपका 42। आपसे क्या क्या रहा है, माध्यिका तथा बहुलक का अंतर, माध्यिका दिया है 45.5, बहुलक है आपका 42, ठीक है, तो यह आ गया आपका 3.5, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन इस लेन देन में सत्य है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि 10 का जो कास्ट प्राइस है वो आपके 8 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। इसका अर्थ ये है, समझिएगा कि जैसे 100 रुपए में हमने 10 वस्तु खरीदी और 100 रुपए में 8 वस्तु बेच दी, तो हमसे पूछ रहा है कि इसका विक्रय मूल्य किसके बराबर है, ठीक है, विक्रय मूल्य किसके बराबर है, ठीक। देखिएगा इसे लगाने का यह है कि यहाँ पे प्रतिशत लाभ होगा, 100% लाभ होगा, ये हमको समझ में आ रहा है कि हम 100 रुपए में 8 ही वस्तु बेचे हैं तो हमें लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर यहाँ पे होगा, प्रतिशत लाभ बराबर होगा आपका दोनों का अंतर, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यहाँ पे होता है क्रय मूल्य, क्रय वस्तु होता है यहाँ पे, ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय वस्तु का मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय वस्तु का मूल्य बटे विक्रय वस्तु इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे 10 कमीजों का जो मूल्य है वह हम नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम वस्तु से निकाल रहे हैं, ठीक है, 10 वस्तु से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे था 10 वस्तु कास्ट प्राइस का, क्रय का, माइनस 8 बटे विक्रय 8 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 2/8 × 100, 2 × 4 = 8, यानी 25% आ गया, ठीक है। चलिए अब समझते हैं दूसरे तरीके से, मान लीजिए आप इस तरीके से नहीं लगा पाए, दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसी वक्त। 10 कमीजों का क्रय मूल्य, मान लिया कास्ट प्राइस जो हमारा है 100 रुपए है, ठीक है, कास्ट प्राइस हमने 100 मान लिया, तो 10 कमीजों का क्रय मूल्य कितना हुआ, तो क्रय मूल्य आप देखेंगे जब
10 वस्तु 100 रुपए में खरीदा हूं तो एक वस्तु कितने का खरीदूंगा, 10 रुपए का। ये बात समझ में आ गई। अब जो सेलिंग प्राइस था 100 रुपए में, 100 रुपए में ही हमने बेचा है, लेकिन कितने वस्तुओं को बेचा है, 8 कमीज को बेचा है, तो 8 कमीज को 8 से भाग दे दिए यहाँ पे हम, ठीक है, तो आ गया 12.5 रुपए। गौर से देखिएगा, आ गया 12.5 रुपए, यानी कि एक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस आई है वो आई है आपकी 12.5 रुपए, ठीक है, और एक वस्तु की कास्ट प्राइस आई है 10 रुपए। हमने वस्तु से भी निकाल लिया, वस्तु से निकाल के देख लिया कि 10 वस्तु था, 8 वस्तु क्रय मूल्य का था, 8 वस्तु विक्रय मूल्य का था, हमने घटा के विक्रय वस्तु से निकाल लिया। दूसरा हम मूल्य से निकाल रहे हैं, 10 कमीजों का क्रय मूल्य था हमारा 10 रुपए, यानी एक कमीज का 10 रुपए हुआ। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस आपकी 12.5 रुपए है, तो अब जो हम एक फार्मूला पढ़ते हैं परसेंटेज लाभ का, जो हम मूल्य से निकालते हैं, तो उसमें निकाला जाता है कि विक्रय मूल्य न कि वस्तु, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। अब देखिए इसमें रख के देख लीजिए, 12.5 माइनस 10 बटे 10 गुणे 100, ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 12.5 से 10 गए 2.5, 2.5 गुणे 10 बराबर 25, 25% आ गया प्रॉफिट, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप समझ गए, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाई के योग से 4 सेंटीमीटर कम है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, चलिए देखते हैं। कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, ये कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से कम है। तो मान लिया पहली भुजा x है, फिर y है, फिर z है, तो x बराबर कह रहा है कि y प्लस z माइनस 4, यही तो कह रहा है कि दो भुजाओं के योग से 4 कम है। y बराबर z प्लस x माइनस 4, दो भुजाओं के योग से 4 कम है, और z बराबर दो भुजाओं के योग से 4 कम है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड, हम तीनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, इसमें देखिए दो दो हैं, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, 2x + y + z, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, माइनस 4 4 8 4 12, 12 हो गया, ये जोड़ लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2x + y + z है, ये 1x + y + z है, तो ये बचा आपका x + y + z, ठीक है, पंचांतर होने के बाद आ गया बराबर 12, ठीक है, ये आपको मिल गया सॉल्व करने पे। अब समझिएगा, इक्वेशन नंबर एक से, इक्वेशन नंबर एक से अगर हम y प्लस जेड बराबर निकालें तो x प्लस 4 आएगा, यहां से जेड प्लस एक्स निकालें तो y प्लस 4 आएगा, और यहां से अगर हम x प्लस वाई निकाल लें तो आपका जेड प्लस 4 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो चलिए इसमें y प्लस जेड रख देते हैं, तो y प्लस जेड का मान जब रखेंगे तो x + x + 4 = 12, ये हो गया आपका 2x, 4 को पंचांतर कर दीजिए, 12 में से 4 गए, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 4 गए 8, यानी x बराबर 4 आ गया, ठीक। इसी तरीके से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस जेड का मान रखेंगे, तो x प्लस जेड का मान जब रखेंगे तो वहां पे भी y प्लस 4, यानी सेम आप सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से y बराबर भी 4 और z बराबर भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए कि त्रिभुज में x और y z, x y z तीनों की वैल्यू 4 4 4 आ रही है, तो यह आपका समबाहु त्रिभुज है, और आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक, क्षेत्रफल बराबर होता है, तो आप जानते हैं √3/4 हो गया, भुजा आपको 4 दी गई है, यानी 4 × 4, 4 से 1 4 कट गया, यह आ गया आपका 4√3, यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके योग अंतर एवं गुणनफल 5:1:18 के अनुपात में है, तो उनके वर्गों का अंतर आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मान लिया संख्याएं एक्स और वाई है, तो x प्लस वाई उनके योग का प्लस x माइनस वाई उनके अंतर का एवं x इंटू वाई बराबर,
5:1:18, यही आपको दिया गया है प्रश्न में, ठीक है। अब चलिए इसके बराबर एक नियतांक मान लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई बराबर 5 के हो गया, एक्स माइनस वाई बराबर 1 के हो गया, ठीक है, और आपका एक्स वाई बराबर 18 के हो गया, ठीक। चलिए ये देखिए, ये इक्वेशन एक और इक्वेशन दो, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 2x, वाई से वाई कट गया, बराबर ये आ गया आपका 6k, तो x बराबर आ गया आपका 3k, ठीक है। x बराबर 3k आ गया, तो अगर आप इसे समीकरण एक में रख देंगे x बराबर 3k, तो x प्लस वाई बराबर 5k दिया है, तो x बराबर 3k रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 5k माइनस x, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 3k, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 2k, ठीक है, y की वैल्यू आ गई 2k और x की वैल्यू आ गई 3k। अब यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं, x बराबर 3k और y बराबर 2k बराबर 18k हमको दिया गया है, ठीक है, k से 1k कट गया, 3 × 2 = 6k, 6k बराबर 18, तो k बराबर आ गया 3, ठीक है। तो हमारी जो संख्या x है, k बराबर 3 है, तो 3k बराबर 9 आ गई, और y बराबर 2k दिया है, तो बराबर आपका 6 आ गया। अब आपसे कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो 9 का वर्ग होगा वो होगा आपका 81, और जो 6 है, 6 का वर्ग होगा आपका 36, और जब इनको आप सॉल्व करेंगे, इसको घटाएंगे, तो आएगा आपका 45, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यदि बहुपद x³ + 4x² - 3x - 18 का एक गुणनखंड x - 2 है, तो इसके अन्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों, जब कभी भी इस तरीके का कोई भी प्रश्न आएगा, तो हमें तुरंत बिना सोचे समझे इसमें भाग विधि अपना लेना है, क्योंकि ये सबसे आसान होता है, ठीक है। तो चलिए x² कर लेते हैं, तो x² का x से गुणा हो गया, x³ आ गया, यहाँ पे -2x² आ गया, ठीक है, साइन चेंज कर दिए, ये कट गया, ये हो गया आपका 6x². अब 6x² है, तो यानी यहाँ पे 6x लाना है, 6x कर दिए, -3x इसको उतार लिए, ठीक। अब क्या हुआ, 6x² आ गया, -6×12x हो गया, तुरंत साइन चेंज किया, कट गया, यहाँ पे आ गया 9x, क्योंकि -3×12 9x, -18 निकाल लिए, प्लस में लाना है, 9 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9x -9×18, साइन चेंज, कट गया 0, ठीक, शेष नहीं आया। यानी आपको इक्वेशन मिला x² + 6x + 9, ठीक है, इसका गुणनखंड करिए, 9 × 1 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 6, ठीक है, तो x² + 3x + 3x + 9, x कॉमन ले लिए तो बचा x+3, +3 कॉमन ले लिए तो बचा x+3, ठीक है, तो एक कोष्टक में आया आपका x+3, दूसरे कोष्टक में भी आ गया आपका x+3, तो ऑप्शन में जाके देखिए, तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है, ठीक, यही आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट, गणित की एक परीक्षा में 20% छात्र प्रथम श्रेणी प्राप्त करते हैं, यदि दत्त को एक पाई चार्ट वित्त आरेख द्वारा निरूपित किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या है, ठीक है। चलिए, एक हमने बनाया सर्किल मित्रों, इस सर्किल में ध्यान दीजिए कि आपको कह रहा है कि 20% छात्र प्रथम श्रेणी से प्राप्त होते हैं, तो हमारा जो परसेंटेज होता है वो होता है 100% होता है, जिसमें से कि 20% छात्र, ठीक है, जिसमें से कि 20% छात्र प्रथम श्रेणी में प्राप्त किए हुए हैं, तो भी ऐसे ही देखिएगा, यानी कि यहाँ पे कितने खंड बनेंगे, तो 20% के हिसाब से आप खंड बनाएंगे, तो इसमें टोटल बनेगा 5 खंड, ठीक है, इसमें टोटल बनेंगे 5 खंड आपके वृत्त में, पाई चार्ट में। तो अब समझिएगा कि एक खंड आपका 20% के बराबर है, एक खंड आपका 20% के बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रथम श्रेणी के संगत केंद्रीय कोण क्या होगा। मान लीजिए यह जो 20% है, यह 20% आपका
कितने डिग्री के रूप में होगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 है ये आपके 100 का पांचवा भाग है, ठीक है। 20 पंजे 100, ये पांचवा भाग है। उसी तरीके से वृत्त होता है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री में अगर हम 5 से भाग दे दें तो जो पांचवा भाग आएगा वही हमारा 20% के बराबर होगा। बिल्कुल समझिएगा कि 100% छात्र हैं जिसमें से 20% प्रथम श्रेणी पाए हुए हैं, तो यह 20% 100 का पांचवा हिस्सा है। उसी क्रम में एक वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो आपसे पांचवा हिस्सा 20% 20 डिग्री 20% वाला त्रिज्यखंड पूछ रहा है, तो इस त्रिज्यखंड के लिए आपको पांचवा हिस्सा निकालना होगा। तो आप 5 से भाग दे दीजिए तो हो गया आपका 72, 72 डिग्री आएगा आपका, यानी कि जो 20% छात्र हैं यह आपका 1/72 डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, ठीक है। एक त्रिज्यखंड 72 डिग्री का है, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, उसके एक विकर्ण की नाप या माप 26 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए मित्रों, ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज आयत से भिन्न होता है, ठीक है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत यानी 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर कट करते हैं। चलिए इतना समझ गए। एक विकर्ण दिया गया है, तो मान लीजिए ये 26 दिया गया है, तो एक दूसरे को लंबवत प्लस आधा आधा काटते हैं तो ये 13 हो जाएगा, यह भी 13 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण मान लेते हैं यह एक्स है, यह एक्स है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कि यह लंबाई 17 सेंटीमीटर दी गई है, यह 11 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक, चौड़ाई। अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर यह आप त्रिभुज, आप त्रिभुज ए, इसको ओ मान लेते हैं, इसके सर्किल को एओडी से देखिए, तो एओडी से आप देखेंगे कि आपका एडी स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। इसी तरीके से आप त्रिभुज ए ओ बी से देखेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर एओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि यह 90 डिग्री है, तो यह 90 डिग्री है, तो यह इसका लंब हो गया, एक आधार हो गया, यह कर्ण है, यानी कि चौड़ाई और जो लंबाई है वो आपका कर्ण है, ठीक है। चलिए ये गौर से देखिएगा एक चीज को, तो हमने अभी तक जो बीडी विकर्ण है, इसी बीडी विकर्ण से एक हिस्से का सिर्फ हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एक उसी का मान निकाल रहे हैं, यानी जो मान आएगा उसको हम दूना करेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं आप, एक्स हमने क्या माना है, एडी बराबर, तो एडी बराबर 17 माना है तो 17 का स्क्वायर हो गया, बराबर एओ बराबर एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, यहाँ पे ए बी बराबर 11 माना है तो 11 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, एओ को एक्स माना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर एक, इक्वेशन नंबर दो, इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो को जोड़ दीजिए, तो 17 17 289 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 169, यहाँ पे हो गया 121 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 169, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 1 10 और 8 2 10 11 1 2 1 3 1 4 410 बराबर एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 9 9 18 1 6 6 12 13 13 1 1 2 1 3 338, ठीक है, ये आ गया 338, यानी हो गया आपका 2x² बराबर 410 माइनस 338, ठीक है, इसको निकाल दीजिए तो हो गया 2 7, ठीक, 2x² बराबर 72, तो x² बराबर 72/2 बराबर 36, तो x बराबर इसका √36 यानी 6 आ गया, ठीक है, 6 सेंटीमीटर आ गया।
एक्स की वैल्यू 6 आ गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि एओ बराबर 6 आ गया, एओ बराबर 6 सेंटीमीटर आ गया, और आपसे एसी पूछ रहा है, तो एसी बराबर एओ प्लस ओसी है, और ओसी आपका एओ के बराबर है, ओसी आपका एओ के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से आपका यह जो आंसर आएगा वो आएगा 12, 6 × 6 बराबर 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः दिया गया है, ठीक है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका एक मित्र है फार्मूला, सॉरी फार्मूला है मित्रों कि एचसीएफ मस गुड़े लस एलसीएम बराबर पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या। चलिए, एचसीएफ 12 दिया है, एलसीएम 144 दिया है, बराबर पहली संख्या 36 दिया है, दूसरी संख्या एक्स मान लिए, सॉल्व कर लीजिए, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 12 गुणे 144 बटे 36। ठीक है, 12 से काट दीजिए तो ये हो गया आपका 12 × 36, 3 से 144 को काटिए तो 3 × 12, 3 × 8 = 24, 48 आएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट। यदि एक वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि इस प्रकार होती है कि उसकी परिधि में 10% की वृद्धि हो जाए, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? ठीक है, तो परिधि होता है 2πr, ध्यान दीजिएगा। तो आपसे कह रहा है कि त्रिज्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो त्रिज्या में वृद्धि होने से 10% की वृद्धि हो रही है, तो मान लिया हमने, माना आर बराबर 10, ठीक है, R का मान हमने 10 मान लिया। ठीक है, चलिए सेंटीमीटर में ही मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर R की वैल्यू हमने, त्रिज्या की वैल्यू मान ली। अब इसको 10% इसमें वृद्धि करिए, तो जब आप 10% की वृद्धि करेंगे R में 10% की वृद्धि करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, 10 का 10% 1 हो जाएगा, और 10 × 11, ये आ गया आपका 11 सेंटीमीटर। अब समझिएगा मित्रों, आपसे कह रहा था ये कि वृत्त के क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिएगा, पहले अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते पहले, तो कितना होता, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पहले कितनी थी, 10 सेंटीमीटर थी, तो ये कितना हो जाता, 10 × 100 π, ये कब था, पहले था। वृद्धि के बाद कितना हो जाता, वृद्धि के बाद हो जाता आर की वैल्यू है 11 सेंटीमीटर, तो 11 × 121 π, अभी हो गया बाद में, वृद्धि के बाद में। ठीक है, तो अब वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि हुई है 121 π माइनस पहले का 100 π बटे कहां से, 100 से, ठीक है, × 100, यही तो हमसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि हम निकाल रहे हैं, बाद में हो गया 121 π, पहले था 100 π बटे कहां से, पहले से, पहले कितना था, 100 π × 100, तो ये ऊपर आएगा आपका 21 π बटे 100 π × 100, पाई से पाई कट गया, 100 से 100 कट गया, यानी आ गया 21%, 21% की वृद्धि होगी, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट। व्यंजक 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1 विभाज्य है, ठीक है, तो यहां पे देखिए दो चीजें होती हैं, गुणनखंड विधि से भी होता है, और एक आपका, एक गुणनखंड विधि से भी होता है, एक आपका भाग विधि से होता है। ठीक है, चलिए हम भाग विधि से ही करके देख लेते हैं, भाग विधि से करके देख लेते हैं। अब यहां पे 2x x है, x स्क्वायर बार ले जाते हैं, तो x स्क्वायर बार ले जाएंगे तो 2x³ हो जाएगा प्लस x² हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन चेंज हो गया, कट गया, अब आया आपका माइनस 2x माइनस 1, यहाँ पे प्लस 2x प्लस 1 है, यानी माइनस 1 बार ले गए तो हो गया माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए, कट गया, ये जीरो हो गया, शेष नहीं आया, इसका मतलब कि यह इससे विभाज्य है, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट।
संख्या की माध्यिका क्या है, ये संख्याएं दी गई हैं इनकी माध्यिका क्या है, तो पहले हम काउंट कर लेते हैं कि कुल है कितनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कुल 12 संख्याएं हैं। 12 संख्याएं होने का मतलब है कि सम है, माध्यिका सम होने पे n/2 + n/2 + 1 पद / n/2 + 1 पद / 2 यही हमारा माध्यिका होती है। ठीक है, माध्यिका होती है। अब हम इसके लिए सर्वप्रथम आरोही क्रम में लिखेंगे, तो ये देखिएगा ये माइनस में है तो ये पहले ही रहेगा, -4.8, फिर 0, फिर इसके बाद में आप देखिए 2.3 के बाद आएगा आपका 3.5 के बाद 3.9। देखिए कुल n बराबर 12 पद दिया गया है, तो यानी कि हमको छठवां और सातवां पद चाहिए। ठीक है, क्योंकि n/2 + n/2 + 1 पद / 2, तो हमको कौन कौन सा चाहिए, n का मान है 12, 12/2 यानी छठवां पद प्लस n/2 6 + 1 सातवां पद / 2। ठीक है, हमको यही वाला चाहिए। चलिए देखते हैं, तो छठवां और सातवां हमें मिल जाए बस, आगे की संख्या हम छोड़ देंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसके बाद में कौन सा आएगा, 3.9 के बाद, 3.9 के बाद आएगा आपका 4.6। ठीक है, 4.6 आएगा, 4.6 के बाद आएगा आपका 5.2, 4.6 के बाद आएगा 5.2। ठीक है, हमें मिल गया छठवां सातवां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, छठवां सातवां मिल गया। चलिए जोड़ दीजिए, जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आपका आ गया 4.9। ठीक है, आपका आ गया 4.9, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित पाई चार्ट एक विद्यार्थी की प्रतिदिन विभिन्न क्रियाओं में व्यतीत समय के घंटों को डिग्री में दर्शाता है, वह सोने की तुलना में खेलने में कितना समय बिताता है, परसेंटेज में हमसे पूछ रहा है। ठीक है, वह सोने में 120 डिग्री बिताता है, खेलने में 30 डिग्री बिताता है, तो आपको पता है कि 120 का एक्स परसेंट वह खेलने में बिताता है। ठीक है, 120 का एक्स परसेंट वह खेलने में बिताता है, खेलने में वो कितना बिताता है, 30 बिताता है। ठीक, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 30 × 10/12। ठीक है, 30 × 10/12, चलिए इसको काट दीजिए, 3 × 4 = 12, 3 × 10 = 30। ठीक है, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, फिर 2 × 5 = 10, 5 × 6 = 25, ये आ गया आपका 25%। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 दिया गया है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरे से 24 अधिक हो तो उनमें से दूसरी संख्या क्या है, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, चलिए माना पहली संख्या है x, तो दूसरी संख्या 24 अधिक है, x + 24, और तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। ठीक है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 24 और तीसरी संख्या y, इन्हीं का योग दिया गया है 100। ठीक है, अब देखिएगा मित्रों, ये हो गया आपका 2x + y = 100 - 24, 100 - 24 आ गया आपका 76। ठीक है, आपका आ गया 76। अब गौर कीजिएगा, यहां पे आप गौर कीजिएगा कि ये जो आपका 2x है यह एक सम संख्या है, 2 सम संख्या है, यहाँ पे 76 भी सम संख्या है। y का मान, आपकी जो अभाज्य संख्या होगी y में का जो मान होगा वह सम होगा, क्यों होगा उसको समझिएगा। अगर y का मान आप कोई भी अभाज्य विषम संख्या रखते हैं तो सम संख्या में से विषम संख्या को घटाने पर आपको मान विषम संख्या में प्राप्त होगा, और विषम संख्या में सम से भाग देने पर वो कभी भी पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा। तो गौर से समझिएगा कि 2x + y = 76 है, तो यानी कि y का मान एक ऐसा हमें रखना पड़ेगा कि वह सम हो, और एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है उसका मान है 2।
यानी कि 2y बराबर 2, 2 एक ऐसी संख्या है जो कि समभी संख्या है और अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम 2 रख देते हैं, बराबर आ गया आपका 76। तो 2x बराबर, इसमें से 2 घट जाएगा पंचांतर होने पे, 74। तो ये हो गया आपका x बराबर 37, यानी आपकी संख्या आ गई 137। तो x का मान तो आ गया, x बराबर 37 आ गया। ठीक है, x बराबर 37 आ गया। तो दूसरा क्या है कि दूसरी संख्या हमारी थी ये पहली संख्या हो गई, तो दूसरी संख्या हमारी जो है, दूसरी संख्या 37 में 24 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वही हमारी संख्या है, यानी है 61। ठीक है, दूसरी संख्या हमारी 61 है, और तीसरी संख्या हमारी थी, तीसरी संख्या हमारी जो अभाज्य संख्या थी वो 2 थी। आप अगर इसको चेक करना चाहें कि हमारा सही है या गलत, तो चेक कर सकते हैं। 7 1 8 2 10 का 0 हाथ में, 6 3 9 1 10, 100 आ गया। तीनों का योग मिला के 100 आ गया, यानी कि जो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या ऑप्शन डी 61 सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 11 से 50 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है? चलिए ठीक है मित्रों, 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 एंड 7 7 49। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित हो रही है। तो देखिए 14 नहीं होगी, 3 7 21 हो जाएगी, 28 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 42 हो जाएगी, 14 3 42, 49 नहीं होगी। तो 1 2 3 4, 4 ऐसी संख्याएं हैं कि जो कि 7 से विभाज्य हैं परंतु 3 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह धनराशि कितनी होगी? ठीक है, देखिए 12,000 की धनराशि है, ठीक है, हमको लिखना है वर्ष और हमको लिखना है गुना। ध्यान रखिएगा, वैसे हम इसको फार्मूले बेस पे लगाएंगे तो ये काफी बड़ा हो जाता है, एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को उस तरीके से नहीं लगाया जाता क्योंकि काफी लेंदी समय लगता है। तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, इस ट्रिक को समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से लगेगा, कभी भी आपका गलत जवाब नहीं आएगा। वर्ष है आपका 5, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। ठीक है सर, फिर कह रहा है कि 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो ये जो 20 वर्ष है इसको 5 के गुणनखंड के रूप में लिखिए। तो 5 का जब गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक 20 हम कर सकते हैं 5 के गुणज के रूप में, 5 गुणे 4 बराबर 20। ठीक है, यहाँ पे जो गुना था पहले उस गुना को उतार लीजिए। उतार लिया सर, अब क्या करना है सर? तो यहाँ पे जो 5 के साथ गुणज जुड़ता है उसको ले जाके गुना वाले में घात के रूप में कर देंगे। ठीक है सर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका अर्थ हुआ बराबर 16 गुना हो जाएगा। यानी कि जो पैसा 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है वह 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज से। ठीक है, तो 12,000 की धनराशि को जब 16 गुना करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वह आएगा 1,92,000। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, 18वां नंबर। यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो आप कितनी बार 3 लिखते हैं? तो ये 20 बार लिखते हैं आप, 1 को 21 बार लिखते हैं, 0 को 11 बार लिखते हैं। तो इसका आपका जो सही आंसर है वो 20 बार है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, इसमें आप 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी संख्याओं को 20 बार लिखते हैं 1 से 100 तक। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है, ठीक है, और 8% लाभ कमाता है, तो छूट की दर क्या है? ठीक, चलिए मान लिया कि जो वस्तु है, वस्तु का कास्ट प्राइस 100 रुपए है। ठीक है, वस्तु 100 रुपए में है, वह क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, तो 100 का 20% 20 होगा, 100 का 20% 20 होगा, तो यानी कि 100 धन 20 बराबर 120, तो 120 हो गया।
ठीक है, 100 का 20% अधिक हो गया, 120 हो गया। फिर कहता है कि वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो यानी कि कास्ट प्राइस से अभी ऊपर ही 8% का लाभ कमाता है, तो 100 का 8% हो जाएगा आपका 8, 100 का 8% भी 8 आएगा। ठीक है, तो 100 धन 8 बराबर 108, तो 108 हो गया। ठीक है, इस ग्राफ को समझ लिए, अब देखिए क्या कहता है। तो छूट की दर कितनी है? गौर कीजिएगा मित्रों कि इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो 120 माइनस 108 का है, बटे कहां से छूट दी जा रही है? क्रय मूल्य से दी जा रही है या विक्रय मूल्य से दी जा रही है? अंकित मूल्य से दी जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि अंकित मूल्य पर छूट दी जा रही है, तो अंकित मूल्य 120 नीचे जाएगा गुणे 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 12 बटे 120 गुणे 100, 12 दहा में 120, 10 कट गया, यानी आपका 10% आ गया। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि प्लस का अर्थ भाग से है, यदि प्लस का अर्थ भाग से है, ठीक है, फिर कहता है माइनस का अर्थ गुणा से है, माइनस का अर्थ गुणा से है, गुणा का अर्थ प्लस से है, और सॉरी यहां पे मित्र भाग होना चाहिए, और भाग का अर्थ माइनस से है। ठीक है, और भाग का अर्थ माइनस से है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है क्या होगा। चलिए, हमने बॉड मास पढ़ा हुआ है कि पहले ब्रैकेट, फिर इसके बाद में आप डिवाइड, फिर मल्टीपल, फिर आप क्या कहते हैं ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक, पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा को, फिर धन को, फिर घटान को, घटाओ को। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 2, 6 दूनी 12। अब हम गुणा वाले को करेंगे तो ये हो गया आपका 6 माइनस 40 धन 2। ठीक है, अब आप देखिए 6 2 8 प्लस में है, तो यानी कि -40 + 8, यानी आपका आ गया -32। ठीक है, -32 आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट। यदि y अपान x बराबर 2 माइनस x अपान y, तो x² + xy² अपान x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो मित्रों देखिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को पहले थोड़ा सा रुक के देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न जब आपको एग्जाम में आते हैं तो काफी लेंदी हो जाते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उस शॉर्ट ट्रिक से ही लगाया जाता है एग्जाम में, इसको लेंदी विधि से नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऐसे में आपका 2-2 3-3 मिनट बर्बाद हो जाता है। तो आप गौर से देखेंगे इसको जब, तो y अपान x प्लस x अपान y पंचांतर करने पर अगर यह मान आएगा, अब आप x और y की कोई एक वैल्यू मान लीजिए, चलिए x बराबर 1 मान लेते हैं, y बराबर 1 मान लेते हैं। तो देखिएगा कि जब x बराबर 1 y बराबर 1 मान लिए, तो 1 प्लस 1 बराबर 2 हो गया, यानी आप देखेंगे लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हुआ, दोनों बराबर हैं। तो अगर दोनों बराबर हैं तो इसका अर्थ हुआ कि x की भी वैल्यू 1 है और y की भी वैल्यू 1 है, यह सही है। तो चलिए अपने इस इक्वेशन में रख देते हैं x³ का मान 1 है, 1 का क्यूब धन 1 × 1² / 1³ + 1³। 1 के साथ कुछ भी करिए, कितने भी बार स्क्वायर क्यूब करिए, उसका मान 1 ही आएगा। तो 1 धन 1 बटे 1 धन 1 = 2/2, ये कट गया आपस में, आ गया 1। ठीक है, तो कट के आपस में आ गया 1, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, ए एवं बी दो समुच्चय हैं, ए में 10 सदस्य हैं तथा बी में 18 सदस्य हैं। ए यूनियन बी बराबर 20 दिया गया है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने सदस्य हैं, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मित्रों ध्यान दीजिएगा,
इसका एक फार्मूला होता है आपका कि ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसका लिखने का जो ढंग है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है ये। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो चलिए, ए यूनियन बी बराबर दिया है 20 बराबर ए का मान दिया है 10 और बी का मान दिया है 18 प्लस, सॉरी सॉरी यहाँ पे माइनस होता है मित्रों, यहाँ माइनस होता है। तो ये हो गया आपका माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी को इधर पंचांतर कर देते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 10 और 18 28, फिर ये हो गया इधर 20 आके माइनस में, माइनस 20, तो ये हो जाएगा आपका 8। ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 32 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज बना देते हैं। समचतुर्भुज के साथ भी है कि इसकी चारों भुजाएं 90 डिग्री पे नहीं होती हैं, बस इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन यह 90 डिग्री पर नहीं होती हैं, इनके विकर्ण 90 डिग्री पर नहीं होते हैं। इनके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा बराबर हिस्से में प्रतिच्छेदित करते हैं। ठीक है, तो गौर से समझिएगा, अगर इसको हम 32 मान लेते हैं, इस विकर्ण को 24 मान लेते हैं, तो ये दो हिस्सों में विभाजित होगा, ए बी सी डी ओ, तो ये दो हिस्सों में विभाजित होगा, तो यह 12 हो जाएगा, यह 12 हो जाएगा, यह आपका 16 हो जाएगा, यह आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 16 32 हो गया। ठीक, अब देखिएगा मित्रों कि यह आपका एक भुजा दी गई है, यह 90 डिग्री पे है, ये एक भुजा है, तो आपका आप देख रहे हैं कि एक आधार है, एक लंब है, यह कर्ण है, यानी कि जो समचतुर्भुज की भुजा है वह कर्ण का कार्य कर रही है, और हमको पता है कि कर्ण का स्क्वायर एडी स्क्वायर बराबर ओडी स्क्वायर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, तो आपका ओए स्क्वायर। ठीक है, तो एडी स्क्वायर बराबर हमसे पूछ ही रहा है बराबर 16 का स्क्वायर धन 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 16 16 हम 256 धन 12 बराबर हम 144, ये आ गया आपका 400। तो एडी स्क्वायर बराबर 400, तो एडी बराबर अंडर रूट 400, अंडर रूट 400 का मान आएगा आपका 20। ठीक है, 20 आ गया। तो अगर एक इसकी भुजा का मान 20 आ गया, तो समचतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, परिमाप होता है आपके भुजाओं का योग, परिमाप बराबर होता है भुजाओं का योग, परिमाप बराबर भुजाओं का योग। तो कितनी भुजाएं हैं, चार, चार भुजाएं हैं, एक भुजा कितने की है, 20 की, यानी टोटल परिमाप कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट। दो चर y एवं x निम्नलिखित प्रकार से संबंधित हैं। y बराबर 5x प्लस 4 दिया गया है, यदि x का समांतर माध्य 10 है तो y का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, देखिए हमें एक संबंध दिया है, क्वेश्चन दिया है, और हमसे कह रहा है कि यह x का समांतर माध्य जो है वो 10 है। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अगर हम यह मान लें मित्रों, अगर हम यह मान लें कि इसमें जो हमारे पद हैं, ठीक है, पद हैं वह एक है और पदों का योग 10 है, तब भी तो हमारा माध्य एक ही होगा, यानी कि मैं जो x की वैल्यू मान रहा हूं, x का पद जो है वो एक है, लेकिन जो इसका पदों का योग है वो 10 है। ठीक है, इसी प्रकार जब y बराबर 5x प्लस 4 की बात करेंगे, तो गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा कि यहां पे जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य है
समांतर माध्य में जब हम x की वैल्यू 1 मानेंगे तो y में y का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 5 इंटू 1 प्लस 4 कर देंगे तो आ जाएगा आपका 5 एकम 5 धन 4 बराबर 9। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 9। यानी कि आप समझ रहे हैं कि जो x का संबंध अगर x 1 रहेगा तो वहां पे y की वैल्यू 9 आएगी, ऐसा हमारे इक्वेशन में संबंध दिया गया है। तो हमसे कह रहा है कि जब समांतर माध्य इसका 10 दिया गया है तो इसका अर्थ है कि x का मान आपको 10 दिया गया है। तो अब लगाने पे आ जाइए, ये तो समझाने की बात थी। ऐसे कोई भी प्रश्न आएंगे तो सीधा सीधा y बराबर 5x प्लस 4 दिया गया है जिसमें x का समांतर माध्य दिया है 10, इसका मतलब है कि x की वैल्यू दी गई है 10, y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, वेरी सिंपल था, 5 इंटू 10 प्लस 4, ये हो गया आपका 50 प्लस 4 आ गया आपका 54। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई, 54 आ गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य आपसे पूछ रहा है। ठीक है, प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का माध्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए मित्रों, एक से लेकर n तक लगातार संख्याओं का जब योग आपसे पूछा जाता है तो आप n n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, लेकिन यही जब आपसे सम संख्या का योग पूछता है n तक तब आप फार्मूले का यूज करते हैं n n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको जो पद दिया गया है n बराबर 20 दिया गया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो आपको n है, n का अर्थ है कि कितनी संख्या है। ठीक है, कितनी संख्या है आपसे यह पूछा जा रहा है। ठीक, कि कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या हो गई यहाँ पे 20। प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का योग पूछ रहा है, n बराबर 20 है, n बराबर 20 है, तो क्या हो जाएगा आपका योग, कितना आएगा योग, योग आएगा 20 और 20 प्लस 1, यानी हो गया 20 गुणे 21 बराबर 420। ठीक है मित्रों, कितना आ गया 420। फिर से एक बार समझिएगा कि प्रथम 20 धनात्मक संख्याओं का माध्य आपसे पूछ रहा है, तो प्रथम 20 धनात्मक सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो n बराबर 20 होगा, तो 420 आ गया। अब आपसे माध्य पूछ रहा है, तो माध्य बराबर आपको पता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग आपको दिया गया है 420 और संख्या आपको मित्रों पता है कि 20 है। ठीक है, तो आ गया आपका 21। आपका क्या आ गया, 21, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक, चलिए मित्रों आज इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जो भी मित्र हमारे अभी YouTube चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, पहली बार आए हुए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी सभी लोग लाइक कर दें, चैनल को शेयर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ बेल आइकन को अगर अभी तक आपने प्रेस नहीं किया है, ऑन नहीं किया है, तो ऑन कर लें, और अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि इस बार यूपीपीसीएस 2023 के सीसैट के पेपर में किसी सभी को पर्याप्त लाभ प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी studyontrack3@gmail.com पर हमें सुझाव भेज सकते हैं। धन्यवाद।